नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉस ऑफ डेंजर। फ्रेंड्स, आज आपको अपनी ही एकेडमी की टीम हमारी कई साल उत्तराखंड खेलने जाती थी। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है सातताल। सातताल वाले उसमें YMCA का ऑर्गेनाइजेशन है जो कई सालों से क्रिकेट टूर्नामेंट कराता है JK टायर क्रिकेट कप के नाम पे। हम लोग कई बार गए हैं उस, कई साल गए हैं और कई साल हम लोग जीते भी हैं। चाहे जितने साल गए हैं हमारी एकेडमी वहाँ जीती है, उसमें हरियाणा, दिल्ली, बंगाल, कभी कभी तो बाहर श्रीलंका की भी टीम आके खेली है। बहुत सुंदर ग्राउंड है और ग्राउंड के अलावा जो हम लोग रुकते हैं सब टेंटों में रुकते हैं जो YMCA ने बनाया है। तो जब मैं टीम लेके जाता था तो अलग अलग एज कैटेगरी होती थी, या तो अंडर 14 लेके आ या अंडर 16 लेके आ, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती थी क्योंकि बच्चे बड़े चंचल होते हैं। और इतना सुंदर जगह थी, सामने सात ताल था, अगर हम अपने टेंट में बैठ जाए तो बिल्कुल सामने ताल भी दिखता था। और वो जो ग्राउंड था ना, उनका जो YMCA वालों का ग्राउंड है सात ताल में, वो शायद कोई पुराना ताल था जो सूख गया था, उसको उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड बना दिया था। छोटा था जरूर बट बहुत सुंदर, क्योंकि वो चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ था, बीच में ग्राउंड था, तो वहाँ मैटिंग पे मैच होता था, मैटिंग विकेट पे, क्योंकि टर्फ तो बना नहीं सकते क्योंकि नीचे बहुत था और उसको मेंटेन करना मुश्किल होता, तो वहाँ मैटिंग पे मैच होते थे। और हम लोग कई साल गए थे, तो ये बात मैं आपको आज से करीब 10-12 साल पहले की बता रहा हूँ, शायद 2012 का है या और पहले की, 16-17 साल पहले। तो हम लोग गए हुए थे। अब ऐसे टूर पे, क्योंकि जंगलों के बीच में आप टेंटों के बीच में रुके हुए हैं, बड़ा सुंदर है। और सातताल बहुत छोटी जगह है जहाँ पर सैलानी आते तो हैं बट वो सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ ठहरने की कम जगह है। या तो आप YMCA को बुक कर लीजिए या फिर सामने जो है कुमाऊं विकास मंडल का एक गेस्ट हाउस है, उसको अगर आपने बुक कर लिया, उनके पास 5-6 कमरे हैं। तो अगर फैमिली हमारी जाती थी तो हम लोग उन्हीं में से कमरा बुक करवा देते थे, जो वहाँ के लोकल ऑर्गेनाइज़र थे आफ्ताब मसीह, वो उनको फ़ोन कर देते थे, वो बुक करा देते थे। बच्चे सब टेंट में रहते थे, एक हाथ कोई सीनियर लड़का हमारे साथ जाता था जो मैनेजर का काम करता था, उनको मैनेज करना। अब जब हम जंगल में जाते हैं कोई भी टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो सबसे बड़ी बात है कि जो इंस्ट्रक्शंस मैं देखता था बच्चों को, कि रात में अगर आपको टॉयलेट जाना है, क्योंकि टॉयलेट जहाँ टेंट्स थे, लाइन से 4-5 टेंट्स थे, उस पर बच्चे थे, किसी में 4 थे, किसी में 2 थे, अगर बड़े थे तो 4 थे, छोटे टेंट्स थे तो 2 थे, इस तरफ भी थे उस तरफ भी थे, बीच से रास्ता जाता था, और फिर थोड़ा बगल में उनका जो है टॉयलेट था, वो लाइन से कई टीमें आती थी तो टॉयलेट बड़ा ही था। पर टॉयलेट तक जाने के लिए अगर रात को आपको उठना है तो टॉर्च सबको बोल के रखा था लड़कों को कि अपने अपने टॉर्च लेके जाएंगे। 2-3 इंस्ट्रक्शंस बहुत ही स्ट्रिक्ट दिए थे कि एक बार आपने डिनर करके अंदर चले गए तो आप अपना टेंट का फ्लैप बंद कर देंगे, फिर सोएंगे, बत्ती सब अंदर रहती थी, फिर अपना लाइट बंद करके सो जाइए। और जब भी आपको टॉयलेट जाना है किसी न किसी बड़े बच्चे को उठाइए या मेरे को फ़ोन करिए, मैं आ जाऊंगा। तो अगर मैं वो कुमाऊं विकास मंडल में वाले गेस्ट हाउस में नहीं रुकता था तो मैं भी टेंट में रुकता था, क्योंकि बच्चा अगर छोटा है तो वो डरेगा रात में अंधेरे में, चारों तरफ सन्नाटा, जंगल, आवाज़, तो वो मैंने बोल के रखा हुआ था। दूसरा वो जो मैं कॉमन चीज़ है कि जब आप जंगलों में जाते हैं अपने जूते मोजे उतार के रखते हैं तो सुबह सबसे पहले अपने जो पहनने वाले मोजे जूते हैं उनको ठीक से देखिए, छिड़किए कुछ है तो नहीं, कोई रेप्टाइल, कभी कभी सांप, सांप का बच्चा, बिच्छू घुस जाते हैं, अक्सर होता है। तो जो कॉमन इंस्ट्रक्शन थे मैंने सब बच्चों को बोल के रखा हुआ था। तो हम लोग का मैच सेकेंड सेशन में था, वहाँ 2-2 मैचेस होते थे, एक मॉर्निंग में एक आफ्टरनून में। तो हमारा मैच सेकेंड सेशन में था,
तो बच्चे जो थे पहले दिन गए, उनको सात ताल में थोड़ा बहुत बोटिंग वोटिंग कराया, फिर वहाँ पर कई दुकानें हैं जहाँ मैगी वैगी मिलती है, तो वहीं उनको नाश्ता भी करा लेते थे, और पराठे सराठे थे, कई चीज़ें जो होती हैं वहाँ मिलती, खाने का ठीक ठाक था वहाँ बंदोबस्त। या फिर आप इन्हीं का ब्रेकफास्ट कर लीजिए, जो YMCA वाले सर्व करते थे, और वो भी करते थे, तो बेसिकली वही आलू के पराठे, प्यार के पराठे, थोड़ा अचार या कभी आलू की सब्जी, यही बच्चों को वो सर्व करते थे। फिर खाने में राजमा हो गया, चावल हो गया, रोटी हो गई, दाल हो गई, सलाद हो गया, एक आध दो और जो सब्जी होती है, यह रहा करती थी। तो हमारा मैच सेकेंड सेशन में था, तो मैंने बच्चों को बोल दिया था कि देखो हम लोग का मैच 1 बजे के बाद है, सब लोग साथ में चलेंगे, और वहाँ से फिर हमें ट्रैक करके जाना पड़ता था ग्राउंड की तरफ, यानी जहाँ टेंट थे वहाँ से हम लोग ट्रैक ट्रैक करते थे और ग्राउंड की तरफ जाते थे। और अब इनकी क्योंकि वार्मिंग होनी थी, कि इनका सेकेंड सेशन करीब 11:30, हम लोग ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट तो 9:30 तक कर लिया था, 11:30 के आसपास फिर इनको हम लोग वही पगडंडी वाले रास्ते सबको लेके चला मैं। और जब हम ग्राउंड में पहुंच गए तो मैंने कहा ऐसा है कि हम तो यहाँ बैठ रहे हैं अभी, क्योंकि जो टीम खेल रही है, दो दो एक मैच चल रहा था ऑलरेडी, हरियाणा और दिल्ली की टीम का, तो वो मैच चल रहा था, मैंने कहा मैं इनको, हम लोग को कल इनसे इनमें से एक टीमों से खेलना है, तो मैं इनका मैच थोड़ा सा देख रहा हूँ, तब तक आप लोग बाएं वाली पहाड़ी पे, वहाँ चीड़ के पेड़ बहुत लगे हुए थे, तो मैंने बोल भी दिया था कि बहुत सावधानी से आप लोग ऊपर चढ़िएगा, ये वार्म अप टाइप ही हो जाएगा, हिल का वार्म अप जो है बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप अपहिल में जाओगे तो ऐसे ही आपके पैर एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और मैं ये एक्सरसाइज विद इन हाफ एन आवर ख़त्म हो जाना है, तो उसको टाइम कर लेते थे कि सपोजिंग मैं 11:30 बजे वहाँ पर उन लोगों को मैंने बोला, तो उनको फिर 12 बजे तक वापस आ जाना था, फिर क्योंकि थोड़ा बॉडी को रेस्ट भी देना था, क्योंकि आप अपहिल जा रहे हैं तो थोड़ा बॉडी थकती भी है, मालूम पड़ा जो नाश्ता करके आए और सब पच गया। बहरहाल बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनकी एनर्जी अलग होती है, हम भी ऐसे टाइम थे ऐसी एज में थे तो हमें सब मालूम है। बहरहाल सब लोग बच्चे अपना वो हिल चढ़ने लगे, मैं देखने भी लगा, और हिल चढ़ते चढ़ते चले गए, फिर थोड़े छोटे छोटे दिखने लगे, फिर वो गायब हो गए। और मैं अपना मैच देखने में बिजी था, वहाँ के जो लोकल ऑर्गेनाइजर दूसरे जो टीम खेल रही थी उन्होंने मेरे को दूर से देख लिया, पहचान गए, आए उनके कोच और वो मैनेजर सब बैठे मेरे साथ वहीं पर, मैं एक कोने में बैठा हुआ था, जैसे ही आप डाउनहिल जाते हैं ग्राउंड की तरफ, तो एक जगह पत्थर था, मैं पत्थर में ही बैठ गया था, मैं वहीं से मैच देख रहा था, मैच वाला जो है पवेलियन उस साइड था, तो वो लोग अपना खेल रहे थे। सडनली मैं क्या देखता हूँ, करीब 20 मिनट हो गए थे, इन लोग को गए थे, सब बच्चे चले ही गए थे, ओझल हो गए थे, कोई नहीं दिख रहा था, ऊपर चढ़ गए थे, मैंने एक डेस्टिनेशन बता दिया था पेड़ कि वहां तक जाओगे, वो टच करके फिर धीरे धीरे आओगे, खासकर जब डाउन हिल आओगे, क्योंकि चीड़ के पत्ते हैं, अप्रैल का महीना है तो ऊपर से पेड़ के भी पत्ते गिरते हैं, और चीड़ की वो जो होती है ना लंबी लंबी पत्तियां, वो बहुत थी, तो अगर आपका पैर फिसल गया तो चोट चोट लगने की भी डर थी, तो मैंने लौटने में बोला था रेस करने की जरूरत नहीं है, लौटते में आप लोग बहुत रिलैक्स मूड में चल के चलते हुए आएंगे। पर मैं देखता क्या हूं कि एक लड़का बड़ी जोर से नीचे की तरफ भागता हुआ आ रहा है, तो मैंने बड़ा ताजुब हुआ मुझे, मैंने कहा क्या है ये, क्यों भाग रहा है, फिर देखा कि पीछे से सब बच्चे भाग रहे हैं और हल्ला भी कर रहे हैं, जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी भागो जल्दी भागो, तो मैं समझ गया कुछ ना कुछ तो बात होगी, नहीं तो ये इतनी जल्दी आ क्यों जाते हैं और उनको दौड़ने को मना किया है तो ये दौड़ते हुए क्यों आ रहे हैं। बहरहाल जब सब नीचे आ गए, मैंने काउंट किया, देखा कि सब आ गए हैं, तो फिर वो जिया करके एक लड़का था वो सबसे पहले आया था, बोले अब बच्चे इतने एक्साइटेड, मेरे पास क्या हुआ, हमने कहा क्यों क्यों इतनी तेज भाग के आ रहे हो, हाँ क्यों रोए, कह रहे सर बाघ की आवाज़ सुन ली हमने, तो हमने कहा बाघ की आवाज़ सुन ली का मतलब क्या होता है, तुमने टाइगर की आवाज़ सुनी कि लेपर्ड की आवाज़ सुनी, तो उनमें से किसी को समझ में नहीं आ रहा था, बट वो आवाज़ सुनी, तो हमने कहा कुछ आवाज़ निकाल सकते हो, तो जिया थोड़ा सा बड़ा लड़का था और वो शायद वाइल्ड लाइफ के वो देखता था नेशनल ज्योग्राफिक पे, तो उसने बोला सर जो पेड़ पर चढ़ जाता है तेंदुआ, हाँ, तो हमने कहा आवाज़ कैसी थी, तो फिर मैंने आवाज़ निकाल के बताया, हमने कहा आऊँ आऊँ ऐसी वाली आवाज़ थी, ये ऐसी थी, बोले सर यही दूसरी वाली आवाज़ थी, तो मैं समझ गया कि लेपर्ड, और इन लोगों ने आवाज़ बहुत क्लियर सुनी,
और सबने सुनी। जो पहले लड़का था और एक समय आके सब एक जगह फ्रीज कर गए थे, खाली आवाज ध्यान से सुनने लगे। उन्होंने आदमी ने तो मालूम ही नहीं था, अंदाजा ही नहीं था, आवाज सुनी और फिर ये जो सीनियर लड़का था उसने बोला भागो वापस, तो ये लोग भागने लगे। मेरा सबसे ज्यादा डर ये जब भाग के नीचे आ रहे थे ये था कि किसी का चीड़ के पेड़ में पत्तों में जो है पैर फिसल गया तो सीरियस इंजरी हो सकती है। और मैं हाथ से उन लोगों को बोल भी रहा हूँ धीरे धीरे, पर वो कहाँ, डर था अंदर, वो भागते चले आ रहे थे। तो खैर अब मेरा काम एज ए मैनेजर कोच यही था कि मैं उनको सांत्वना दूँ और उनको रिलैक्स करा लूँ मेंटली। आके जब मेरे अगल बगल वो बैठ गए ना तो बहुत रिलैक्स हुए। हमने कहा बहुत डर गया लग रहा है, और डरने की ज़रूरत नहीं, नीचे मैच चल रहा है, कुछ अगर होगा भी कोई लेपर्ड या टाइगर तो वो नीचे नहीं आएगा, उसको सब दिख रहा होगा ऊपर से कि लोग है, हल्ला हो रहा है, मैच चल रहा है, तो यहाँ नहीं आएगा, वो उसकी टेरिटरी होगी, वहाँ पर होगा। आप लोग चले गए, उसने आप लोगों को देख लिया तो उसने आवाज़ पता नहीं क्यों मारी है, मेरे को समझ में नहीं आता। नॉर्मली वो इस तरह मारते नहीं हैं, बट वो जिस समय आवाज़ मार रहा होगा किसी वजह से किसी को, तो आप वहाँ पहुँच गए, वो आवाज़ सुन ली आपने, तो वो एंड हो गया पार्ट। फिर ये लोग रिलैक्स हो गए, उन लोगों को पानी यानी पीने को बोला, और फिर मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि ऐसा है कि कुछ थोड़े फल हल वहाँ से भिजवाइए, YMCA से बच्चे गए थे ऊपर पहाड़ पे और वापस आया, थोड़ा भूख लग रही, तो उन्होंने फ्रूट फ्रूट सब भिजवा दिया, ये लोग अपना खाते रहे, और एक 1:30 बजे से मैच था, तो ये बात सब ख़त्म हो गई। मेरे ख्याल से 12 बजे तक बच्चा 12:15 तक ये लोग आ गए थे। हमने कहा बैठो रिलैक्स करो, फिर जब टॉस वॉस होगा मैच होगा। खैर हम लोग मैच खेले, जीते, और इन लोगों को लेके फिर मैं वापस YMCA आ गया बगैर कुछ बताए। बट मेरी क्यूरियोसिटी, क्योंकि मैं जंगलों में रहा था, मैंने आपको बताया ना कि जंगल बेर से कभी दूर ही नहीं हो पाते। अब मैं कभी जंगलों में जाना मेरा बहुत कम हो गया था जब मैंने अकेडमी खोल दी थी, बट फिर यहाँ पर आए थे खेलने के लिए, चारों तरफ जंगल था और उस समय ये बच्चों को भागते हुए आया था, तो मेरी क्यूरियोसिटी थी कि वाकई यहाँ पर कुछ है कि नहीं है, ये ज़रा पता लगाते हैं। तो ये लोग अपना आए, रात में अपना खाना ना खाया, डिस्कशन वही चलता रहा, और फिर कुछ जो लोकल ऑर्गेनाइजर्स थे उनसे भी बात हुई बच्चों की, शायद वो तो बच्चे अपना जब घबरा के आते हैं शेयर करते हैं, दूसरी टीम वालों से शेयर करी तो कुछ बच्चे उसकी उन दूसरी टीम के भी डर गए। तो रात में जब कलेक्टिवली सब टीमों को मैंने कलेक्ट किया, उनके भी मैनेजर्स थे, मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, ये देखिए ये यहाँ पर है नीचे ताल, यहाँ पर कोई भी और जंगल एरिया है तो ये लाजमी है कि यहाँ भालू भी हो सकते हैं, वाइल्ड बोर भी हो सकते हैं, टाइगर्स भी हो सकते हैं, लेपर्ड्स भी हो सकते हैं, तो बच्चा कभी अकेले रात में ना निकले, जब भी पेशाब वेशाब करना हो अपने अपने टेंट में, आपके पास सबके पास मोबाइल रहती है, मोबाइल से कॉल करिए और अपने किसी सीनियर को लेके टॉयलेट तक जाइए, टॉयलेट थोड़ा सा दूर पड़ता था, मान के चलिए दूर क्या है 50 गज दूर, और बिल्कुल उसमें रास्ता बना हुआ था और उसमें लाइट जलती रहती थी रात भर। तो खैर ये बात हो गई, ख़त्म हो गई, बट मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि बच्चे इतने घबरा के आए हैं और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो मेरे को जाके कुछ फाइंड आउट करना चाहिए, या तो मैं पगमार्क्स देखूँ, कुछ देखूँ वहाँ पर, कन्फर्म हूँ कि खाली आवाज़ सुन के ये आ गए, ये तो कन्फर्म हो गया था आवाज़ सुनी है, इतना घबराते हुए बच्चों को मैंने कभी देखा नहीं। तो मैं अर्ली मॉर्निंग उठ गया, ये लोग सब सो रहे थे क्योंकि हमारा दोपहर का मैच था 1 बजे का, जैसे वो एक दिन पहले खेले थे, हमारा अगले दिन भी दोपहर का था, तो इनका मैंने इंस्ट्रक्शन था कि तो आप लोग 7 बजे तक उठेंगे, फिर फ्रेश होकर 7:30 तक 8 तक तैयार हो जाएंगे, फिर आप यहीं YMCA में जो कैंटीन है वहाँ पर आप लोग ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करके आएंगे और अर्ली लंच हो जाता था, अर्ली लंच करके फिर हम लोग ग्राउंड चले जाते थे और वहीं बैठते थे और दोपहर को मैच खेलते थे। बट मैं उठ गया 5 बजे और वो पगडंडी से अकेले गया, मैंने कहा चलते हैं माजरा क्या है ज़रा देखते हैं। फिर मैं पगडंडी से अकेले अकेले निकला और हाथ में एक मैंने खाली एक डंडी टाइप की थी वो ले लेके, और टॉर्च था क्योंकि जब निकला था थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, बट टॉर्च की ज़रूरत थी नहीं फिर भी ले लिया था क्योंकि वो इंस्ट्रक्शन सभी को देता था तो मैंने भी वो फॉलो किया। तो जब मैं ग्राउंड में पहुंचा ना तो ग्राउंड में बहुत से हिरन देखे, छोटे वाले जो होते हैं वो हिरन देखे, कुछ स्पॉटेड डियर देखे, तो सब तो जो क्योंकि घास थी ग्राउंड के ऊपर वो चर रहे थे। और जैसे ही मैं ऊपर आया और फिर ग्राउंड की तरफ आने लगा, जैसे ही उन्होंने मेरे को देखा सब
चितर के ऊपर की तरफ जाने लगे पहाड़ियों में। बट मेरी नज़र सामने गई, मेरी नज़र सामने गई तो मैंने देखा कि दो टेंट लगे हुए हैं ग्राउंड के पार। वहाँ ट्रैकर्स आते हैं काफ़ी ट्रैकिंग करने के लिए, कैंपर्स आते हैं कैंपिंग करने के लिए, दिल्ली से आते हैं, उत्तराखंड से आते हैं और भी इंडिया के पार्ट से आते हैं। तो वो टेंट जब हम लोग मैच खेल के शाम को गए थे एक दिन पहले, तो वो टेंट नहीं था। तो मैंने कहा चलते हैं इनसे मिलते हैं। तो ग्राउंड पार करके गया और वो टेंट वाले थे, उन्होंने शायद मेरे को आते देख लिया। तो आए, फिर हम लोग का इंट्रोडक्शन हुआ, मैंने बताया कि मैं टीम लेके आया हूँ, ये लोग कैंपिंग करते हैं। तो ये लोग शाम को आके इन्होंने अपनी टेंट, एक छोटा सा मैदान था उसके पार और फिर जंगल ही जंगल था, उसी में अपना टेंट लगाया था। तो हमने कहा इनसे थोड़ी सी आइडिया लेते हैं, ये लोग कैंपिंग करते हैं। तो फिर मैंने क्यूरियोसिटी में उनसे पूछा कि क्या आपने लेपर्ड या किसी को यहाँ देखा इस एरिया में? तो बोले कि सर रात का ही हम आपको मंजर बता रहे हैं, बड़ा खौफनाक था रात के 1-2 बजे। हमने कहा क्या हुआ था? तो उन्होंने बताया कि साहब हमारे टेंट के अगल बगल हम लोग खाना ना खा के सो गए थे, अपना बात बात करते करते 12 बजे तक सो गए थे। करीब 1-1.5 बजे हमें लगा कि हमारे टेंट के अगल बगल आके कोई सूंघ रहा है। और क्योंकि इनके ये जो हिस्से होते हैं ना टाइगर्स के, ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेपर्ड के बहुत सॉफ्ट होते हैं और इवन भालू के होते हैं, बट उनके पंजे बहुत बड़े होते हैं, तो उनके चलने में फिर भी पंजों पे निशान आते हैं, आवाज़ आती है। तो वो तो ये नहीं देख पाए थे कि एकदम टेंट के पास आके उसने स्निफिंग चालू कर दी है ना, सूंघना चालू किया टेंट में। ये जो भी जानवर आया था उसने ये तो देख लिया था कि इसमें इंसान रहेंगे और टेंट होते हैं छोटे छोटे, स्निफिंग जब चालू हो गई तो ये लोग सब अलर्ट थे, सब कुल्हाड़ी उलाड़ी सब लेके एकदम तैयारी में रहते थे। तो वो लोग सब अलर्ट हो गए, दो टेंट लगे हुए थे दोनों अलर्ट हो गए। तो वो दोनों टेंट में पहले उधर गया फिर इधर आया, स्निफ किया, फिर ये लोग अलर्ट खड़े रहे, फिर ये लोग सोच ही रहे थे कि सिर्फ खोल के एक बार देखें। बट रात का टाइम था, बाहर निकलना ठीक नहीं था। तो वो उनका डिसीजन सही गया कि सर हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम निकलेंगे नहीं जब तक कोई है कि पंजा अंजा नहीं मारेगा टेंट को। खैर उसने कुछ नहीं किया, स्निफ किया दोनों को और फिर वो धीरे धीरे चलने लगा। तब एक जो था वो निकला, शायद उसने देखा, बट इतना घना अंधेरा था उस दिन कि वो देख नहीं पाया ये जानवर। मेरे ख्याल से वो लेपर्ड ही था। तो कह रहे क्योंकि इस एरिया में टाइगर्स तो कम दिखते थे, दिखते थे बट कम दिखते थे, तो वो लेपर्ड ही था। उन्होंने भी कहा कि सर लेपर्ड ही है। फिर हम लोगों ने जो है सुबह, आप अभी आप आए हो, अभी चलते हैं हम लोग देखते हैं। फिर हम लोगों ने पीछे जाके टेंट के पीछे जा, थोड़ा सा गीले में पंजे के निशान थे, देखा कि लेपर्ड है। अब बच्चों को मैं ये सब चीज़ें बता नहीं सकता हूँ क्यों और डर जाएंगे। अब मालूम पड़ा उन्होंने कहा कि सर हम ऐसी जगह मैच नहीं खेलेंगे, बट बच्चे बच्चे हैं तो उनको समझाना हमारा काम था। हमने कहा हम क्यों बताएंगे उनको डराने के लिए, और ये तो ग्राउंड के बाहर की बात है। बहरहाल वो कैंपर्स का प्लान था कि वो जो YMCA आने ही वाले थे, और फिर मैं आ गया, अपना ब्रेकफास्ट किया, ब्रेकफास्ट में वो लोग आ गए। और उनको भी मैं बोल के आया था कि बच्चों के सामने कुछ ये डिस्कशन करना नहीं कि हमारी आपके बीच में क्या बात हुई है, कि वो घबराए हुए हैं। उन्होंने आवाज़ सुनी है, ये सब बता दिया था मैंने, और भाग के आए और बहुत घबराते हुए आए थे, बच्चे हैं और जंगल लाइफ की यूज्ड टू नहीं आते ज़्यादा बच्चे। तो आप लोग तो कैंपिंग करते हो तो आपको मालूम है, आपका प्रोटेक्शन आपको विजय करना है, उन लोगों को कुछ नहीं मालूम है। बहरहाल बात आई गई होगी। फिर वो टूर्नामेंट हम लोग खेले, खेल के जीत के आ गए। बट जो मैं बात कहना चाहता हूँ आपसे कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है कि आप कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। कहाँ हम खेलने गए थे, बहुत रिलैक्स थे, बहुत हैप्पी थे बच्चे, वो इन्वायरमेंट देख के, ठंडा भी था, गर्मी से रिलीफ मिल गया था अप्रैल में, बट एकदम तो घबरा गए वो आवाज़ सुन के। तब उनको मैंने रात में एक दिन रात में नेक्स्ट डे जो मैंने काफ़ी बातें बताई। देखो तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ ताल है, ताल में जानवर रात में ही उतरेंगे, ये जब लोग सो जाते हैं उतरेंगे, पानी के लिए उतरेंगे। बोटिंग करने गए थे हम, तो हमारा जो बोट वाला था उसने बताया था, हम सामने गए थे एकदम, आप कभी अगर सात ताल जाएंगे सामने की तरफ एक छोटी सी हिल है, तो बोट वाले ऐसे ही एक चक्कर लगा के जाते हैं। तो मेरी क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है पूछने की कुछ जानवर आनवर दिखता है कि नहीं। तो उसने बताया कि इस एरिया में एक लेपर्ड आता है पानी पीने के लिए,
और हम लोग ने एक बार उसको किसी जानवर को ऊपर मारते हुए भी आवाज़ सुनी कि गुर्रा रहा था। और उसके पहले साल जब मैं YMCA में गया था तो YMCA की बिल्डिंग में ही मेरे को ठहराया था उन्होंने। तो वो पुरानी बिल्डिंग थी, पक्की बिल्डिंग थी, तो उसमें ठहराया हुआ था। उसमें जब मुझे थोड़ी गर्मी लगने लगी तो मैंने खिड़की खोल दी थी, और जिस कमरे में मैं सो रहा था उसमें से एकदम से मेरी खिड़की के बगल से एक आवाज़ आई कि कोई जानवर पत्ते सत्ते थे कि थप 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 करके जा रहा है। तो मेरी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने थोड़ा सा जब वो निकल गया तो फिर मैंने झांका, तो अंधेरा था क्योंकि कुछ दिखा तो नहीं, बट अंदाजे से मैंने एक अंदाज़ा लगा लिया कि वो वाइल्ड बोर होंगे क्योंकि कई थे उसमें आवाज़ आ रही थी। तो अगर वो समझ लीजिए कि गुच्छे में जा रहे हैं, झुंड में जा रहे हैं, तो वो वाइल्ड बोर ही होंगे। और फिर हमने जब सुबह हुई, सुबह देखा तो वो वाइल्ड बोर के खुर हम लोग को दिखे। तो उनके जो खुर है वो पता भी लग जाते हैं क्योंकि वो सॉफ्टनेस जो पॉ के अंदर होनी होती है वो खाली टाइगर लेपर्ड दिन में होती है, वो सॉफ्टली जाते हैं, इसीलिए वो सक्सेसफुल हो जाते हैं अपने किल के अटेम्प्ट में। एनीवे, तो ये तो आपको मैंने बताया कि कितने और मैं बताऊंगा कि एकेडमी फॉर्म होने के बाद भी कुछ किस्से ऐसे हुए हैं जिसमें बहुत नज़दीक खतरे के थे हम लोग। अगर किसी बच्चे के साथ कुछ हो जाता ऊपर पहाड़ के तो सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे गए थे, जवाबदेही मेरी होती कि आपने ऊपर क्यों भेज दिया, ग्राउंड था, ग्राउंड पे भी आप वार्म अप करा सकते थे। मेरे को ये लगा था कि ये लोग नीचे तो हर बार प्लेन्स पे तो करते ही करते हैं, हिल की जो एक वार्मिंग है, ऊपर चढ़ना, पैरों के ऊपर जोर लगता है, हैं, और फिर आप जाते हो थकते जल्दी हो, अच्छी वार्मिंग हो जाएगी, फिर लौट के आएंगे यहाँ पर अपना स्ट्रेचिंग एचिंग करेंगे, फिर रिलैक्स होके एक घंटा बैठेंगे, एक घंटे के बाद मैच होगा तब खेलेंगे। बट वो मामला उल्टा हो गया। तो यू नेवर नो कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। होपफुली ये एक छोटी सी स्टोरी थी जिसमें हमारी एकेडमी की टीम 7 साल गई थी और ये हो गया था। 7 साल का एक किस्सा और भी है, वो फिर मैं बताऊँगा आपको, क्योंकि 7 साल हम लोग 7-8 साल गए हैं और हमेशा जब जाते थे तो हम लोग जीत के जाते थे। हो सकता है इस साल भी टीम जाए। ये अक्टूबर आ गया ना, अक्टूबर से इस समय ठंडा ज़्यादा हो जाता तो हम ऐसा बैठे उसमें टीम नहीं भेजते हैं। समर का उनका टूर्नामेंट बढ़िया रहता है, वो मार्च के बाद चालू होता है फिर जून तक चलता है, उसमें कई टीमें आती रहती हैं, खेलती रहती है अलग अलग एज ग्रुप की। वो टाइम ऐसा था जब हम गए थे, हमारे यहाँ से बहुत प्लेयर स्टेट खेलते थे, बहुत प्लेयर। जिस टीम को हमें ले गया था, मेरे ख्याल 14 या 16 की टीम थी, उसके करीब बाद में जाके 3-4 प्लेयर अंडर 16 यूपी के लिए खेले, फिर अंडर 19 खेले। तो टूरिंग से वो एक एक्सपीरियंस जो एक साथ रहने का आता है, रात में रूम मीटिंग्स का आता है, आप लोग को कईयों को मालूम नहीं होगा, बहुत प्लानिंग करी जाती है एक मैच को जीतने के लिए। रोज़ डिनर के बाद फिर ये आते थे मेरे टेंट के अगल बगल बैठ जाते थे, या फिर जो डिनर हॉल था उसके बाहर ही इनको मैं बैठा लेता था और फिर हम लोग मीट करते थे, भाई कल का मैच है उसकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। और अब उत्तराखंड की बात हो रही है तो इसमें एक चीज़ और आपको गुड न्यूज़ दे दूं कि कल ही मेरे को खबर मिली है कि मेरे अंडर खेले हुए 2 बच्चे, एक है युवराज प्रताप सिंह और दूसरा था हर्ष विक्रम सिंह, ये छोटे छोटे बच्चे आए थे मेरे पास, और ये लोग अंडर 14 तक तो यहीं से खेले, फिर अंडर 14 में ठीक ठाक भी गया, बट मेरे इनके गार्जियंस को ये लगा कि ये इनका चांस नहीं, तो फिर ये लोग उत्तराखंड चले गए क्योंकि उत्तराखंड में नई नया फॉर्मेशन टीम का हो रहा था। और फिर उन्होंने वहीं कहीं एकेडमी ज्वाइन कर ली उत्तराखंड में, देहरादून में। और परसों मेरे को कॉल आया फादर का उनके, तो बोले एक लड़का लास्ट ईयर खेल चुका था अंडर 19 उत्तराखंड की स्टेट टीम से, और एक का युवराज प्रताप सिंह का सिलेक्शन इस साल की अंडर 19 की टीम में हो गया, जो हमारे ऑलरेडी 64 बच्चे खेल चुके हैं स्टेट पिछले 28 साल में, तो 2 और ऐड हो गए, 66 हो गए। तो बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड हमारी एकेडमी है, इसीलिए हम आज 29 साल से हैं। अभी तो नए बच्चे हैं, जो भी नए बच्चे हैं अगर अच्छे पोटेंशियल वाले होंगे तो हो सकता, और जो बैच आने वाले 2 साल में इसमें से भी और कोई बच्चे निकले, बट आप क्रिकेट में आपको टाइम देना पड़ता है। अगर आप बच्चे ये सोच के आ रहे हैं 1-2 साल में मिरेकल हो जाएगा तो कुछ नहीं होता, बड़ा सा बड़ा टैलेंट हो उसको 5-6 साल लगते हैं इस्टेब्लिश करने में, गेम को समझने में,
और अगर उसके अंदर अपनी स्किल अच्छी है तो आगे बढ़ सकता है। एनीवे, तो एक तो ये बात मैं ये बोलना चाहता था। दूसरी बात मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा अपना मानना है कि जो जंगल में रहने वाले लोग हैं यानी लोकल्स हैं, उनसे अच्छी नॉलेज किसी की नहीं होती है। मेरी जो नॉलेज है अभी की या बचपन से था, मैं हमेशा लोकल्स को अपने साथ रखता था। फादर के कैंपों में जब रहता था, चाहे भील हो चाहे गोंड हो, जो लोकल उनके ट्राइबल्स हैं वो बहुत गुणी होते हैं, एक एक चीज़ जानते हैं, कौन सा जानवर ज़्यादा वहाँ दिखता है कौन सा नहीं दिखता है। तो अभी आपको एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ अपने तराई का कि एक टाइग्रेस की डेथ हो गई। अब किस वजह से डेथ हुई ये तो नहीं मालूम, फिर फॉरेस्टर्स ने उसकी बॉडी सीज की और उसके शरीर में कई घाव थे। तो उस घाव से उन लोग ने एंटिसिपेट किया कि लगता है कि दो टाइगर्स टेरिटोरियल फाइट में आपस में लड़ गए हैं, ये कमज़ोर पड़ गया होगा और इसको ये घाव आ गए। और जो उसके मरने का कारण था वो तो नेचुरल था, उसमें कुछ नहीं था, वो मेरे ख्याल से टाइग्रेस थी, वो एज हो गई थी और प्लस वो फाइट में इंजर्ड हो गई थी और उसकी डेथ हो गई थी। तो फॉरेस्टर्स ने तो बता दिया कि ये टेरिटोरियल फाइट में इसको इंजरी हुई है, उसी इंजरी को लेके ये कई टाइम चली और फिर सर्वाइव करी और फिर उसकी डेथ हो गई। बट एक्चुअल किस्सा ये नहीं था, एक लोकल था हीरा करके उस एरिया का, जो ज़बरदस्त ट्रैकर था उस एरिया का। हीरा ने हीरा को ऑफिशियल्स बुलाते थे, आओ तुम देखो तो जरा क्या है। तो हीरा ने जब देखा बोला कि साहब ये टाइगर फाइट का केस ही नहीं है, इसको तो वाइल्ड बोर ने बहुत कस के अपने टस से मारा है, क्योंकि जिस तरह के घाव है इतने डीप हैं, ये पंजे से नहीं होते हैं और टाइगर के दांत से नहीं होते। देखिए क्या स्टडी है उसकी। और उसने फिर नाप के बताया भी कि इतना डीप टस्क ही जाता है, क्योंकि बड़े बड़े टस्क होते हैं वह ऐसे घुसते हैं और इसका डायरेक्शन सीधा भी नहीं है, ऐसे घुसा है। तो फिर एक गांव वाले को बुलाया जिसने ये विटनेस की थी फाइट, वो कहीं काम से जा रहा था, वो एक पेड़ के पीछे फिर जब आवाज़ हुई और उसमें क्या था कि वो जो झुंड था वाइल्ड बोर का उसमें दो मेल थे और दो फीमेल थी जो बड़े साइज की थी और बाकी करीब 7-8 बच्चे थे, तो एक बड़ा झुंड था। और ये घुसते चले आ रहे थे टाइगर की तरफ, इनको पता ही नहीं था क्योंकि साइट इनकी भी ठीक नहीं होती, सूखते उमते तो ठीक है बट पता नहीं, इन्होंने देखा ही नहीं कि टाइगर जो है हाथ लगा के बैठा है। टाइगर भी बेचारा बैठा होगा भूखा होगा कि एक हाथ को पकड़ लेंगे, बट गलत बयाना ले लिया उसने, इसने जो मेल के ऊपर अटैक कर दिया। इसने मेल के ऊपर अटैक किया, मेल तो हट गया, एक फीमेल को थोड़ा सा उसने पंजा मारा, बट दोनों मेल ने फिर इसके ऊपर जो अटैक किया तो साइड में उसको कई जगह बहुत कसकस के इतनी स्पीड पे आके मारते हैं ना, तो वो घबरा के टाइग्रस भाग गई, बट उसको बहुत इंजरी हो गई, इंजरी डीप हो गई। और एक विटनेस था गांव का कोई आदमी, तो हीरा ने उसको बुला के कंफर्म किया और बताया कि साहब इसने देखा है और ये वाइल्ड बोर का झुंड है, वो लोग देखते भी थे कि वो घूमता था, क्योंकि खेत इतना नुकसान बहुत करते हैं तो लोग सावधान रहते थे। और फिर ये कंफर्म हुआ। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग जंगल में रहते हैं ना, उनसे प्रैक्टिकल नॉलेज किसी की नहीं होती। इवन फॉरेस्टर्स बुला के उनसे राय लेते हैं। मैंने भी कैंप में देखा था कि फादर आदर जो है लोकल्स की बात बहुत सुनते थे, क्योंकि उनको बहुत ज़बरदस्त नॉलेज है, बचपन से वहीं ग्रो करते हैं, वो यहाँ के जानवरों को अच्छी तरह जानते हैं, कैंप तो आके लगते हैं फिर उठ के चले जाते हैं। उम्मीद है ये जो एक किस्सा ये एक ट्रैकर की नॉलेज और दूसरा जो हमारे साथ हादसा हुआ, होते होते वजह हुआ तो नहीं, जब हमारी टीम 7 साल गई थी, आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप अपना आशीर्वाद दीजिए, को खूब लोग जुड़िए, ऐसे बहुत कहानियां हैं मैं बता तो रहा हूँ और मैं और भी देता रहूँगा। ठीक है, तो अभी मेरे ख्याल से काफ़ी टाइम हो गया, ऑलमोस्ट 29 मिनट्स बड़ा वीडियो हो गया है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि 25 से 30 के बीच में इसको होल्ड कर लूँ। और आप लोग अपना सब्सक्राइबर्स जुड़िए, हमारे वीडियोस को लोगों के साथ शेयर करिए, क्योंकि मैं खाली फेसबुक पे ही रखता हूँ, मैं और किसी भी आपका जो वो रहता है मैं उसमें शेयर नहीं करता हूँ। और मेरा सोल मकसद है कि मेरी जो अपने टाइम की स्टोरीज हैं वही इतनी है कि मेरे को कहीं से लेने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं छोटे छोटे टुकड़े लेता हूँ जरूर बड़े बड़े हंटर्स के और बताता हूँ, वो भी एग्जाम्पल। ठीक है, तो आप लोग खूब खुश रहिए
और बहुत सी स्टोरीज हमारी लोगों के बीच में शेयर करिए, क्योंकि ये सब रियल लाइफ स्टोरीज है। ठीक है, और तंदुरुस्त रहिए। थैंक यू।